40 साल पहले जब आप युवा थे और अभी भी युवा ही हैं, उस समय अच्छा हुआ, ठीक बोला। उस समय सिर्फ कुछ बच्चों की जिम्मेदारी से शुरुआत करके और सिर्फ 40 सालों में 45 करोड़ से भी ज्यादा लोग उनके मन के, शरीर की, आध्यात्मिक विकास की पूरी जिम्मेदारी, ये कौन सा जादू है गुरुदेव? देखिए, जादू आपने कह दिया ना, तो वही उत्तर है। फिर इसका कोई विवरण देने की आवश्यकता नहीं हो रहती। ये सब आश्चर्य करने की बात ही होती है। जब भी कोई महत्वपूर्ण घटना घटती है इस दुनिया में, वो सिर्फ आश्चर्य करने की बात ही होती है। देखिए, हर क्षेत्र में अपना आर्ट ऑफ लिविंग है। नदियों को पुनरुज्जीवन करने में 48 नदियों को पुनरुज्जीवन किया है, हजारों तालाबों को साफ किया, उसको पुनरुज्जीवित किया, महिलाओं के सशक्तिकरण में बहुत काम हुआ है। फिर जहाँ भी झगड़े झंझट हुए दुनिया में, वो सब सुलझाने में अपने लोग लगे हुए हैं, उसमें काफ़ी सफलता मिली। और जहाँ युद्ध हुआ, युद्ध के बाद जो एक आतंक फैला था, उस आतंक से लोगों को बाहर लाने में, ट्रॉमा रिलीफ करने में काफ़ी आर्ट ऑफ लिविंग में आगे बढ़ के काम किया है। करोड़ों वृक्ष लगाए दुनिया भर में, फिर कला का प्रोत्साहन किया। ऐसी ऐसी कला की जो कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसको लोग कहते थे ना भूतो ना भविष्यति, जैसे इतनी बड़ी कला का एक संगम हुआ है, दुनिया भर के संस्कृतियों को साथ में लाकर उनको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया। इस तरह से उपलब्धियों को गिनते जाओगे तो समय बहुत कम पड़ता है, इतनी सारी उपलब्धियाँ हुई हैं। ये सब सिर्फ होता है जब हृदय स्वच्छ होता है और आत्मज्ञान पर अपना दृष्टि जब टिका रहता है, बाकी सब जादू चलता रहता है। दुनिया में सब कुछ जादू के रूप में चलेगा। मूल बात यही है कि हमें अपनी जो आध्यात्मिक सत्ता, आध्यात्मिक बल पर हम अपना ध्यान केंद्रीकृत करते हैं। व्यावहारिक जगत में सफलता सहज रूप से मिलने लगती है जब हम अध्यात्म पर ज़्यादा से ज़्यादा अपना दृष्टिकोण जमा के रखते हैं। आपने इतनी सारी हिस्टोरिक इवेंट्स की है, इनके पीछे की कोई मिस्टिकल स्टोरीज हो तो प्लीज बताइए। हाँ, कहानियाँ तो बहुत है, मगर कहानी बोलने के लिए मैं किसी और को नियुक्त कर लेता हूँ। आप सबको तो यही है, ध्यान यही रखना है, आध्यात्मिक साधना पर, ज्ञान पर डटे रहना, सामाजिक सेवा में पीछे नहीं हटना, और कहीं रुकना नहीं, फंसना नहीं, चलते रहना और जीवन को एक उत्सव बनाते जाना। हमारा मन हमें सारा जीवन इतना क्यों दौड़ाता है? वो ही तो माया है। मन नहीं दौड़ाए तो फिर मजा ही चला गया, सब खत्म ही हो गया खेल। इसी से हम सीखते हैं, इसी से हम जूझते हैं, और उसी मन में हम अच्छे संकल्प रखते हैं। कहते हैं ना, तन में मनः शिव संकल्प मस्तु, हमारे इस मन में शुभ संकल्प बना रहे हैं, और यह मन ही हमारा बंधन और मोक्ष दोनों का कारण है। मेरे नकारात्मक पहलू तो अपने आप बाहर आ जाते हैं, पर अपने गुणों को बाहर लाने में परिश्रम करना पड़ता है। हाँ, नकारात्मक चीज़ों को दूर करने में परिश्रम की ज़रूरत है। तुम्हारा गुण तो सहज ही खिलने लगेगा। परिश्रम यही है कि नकारात्मक गुण में इतना आदी हो गए हम, वो हमारा आदत का हिस्सा बन गया, तो मुश्किल लगता है, उसी को दूर करना है। और जैसे तुम साधना के इस पथ पर चलोगे तो देखोगे वो भी इतना कोई मुश्किल नहीं हो सब।
हस्ता मलक जैसे आसमा आसानी से होने लग जाता। गुरुदेव, आज के समय में हर चीज का शॉर्टकट है, आप हमें इनलाइटनमेंट का कोई शॉर्टकट बता दीजिए। अरे ये शॉर्टेस्ट कट है, इससे कोई शॉर्टकट कहाँ हो सकता, शॉर्टेस्ट है रूट। देखो, जिस घड़ी तुम सारे इच्छाओं को छोड़ते उसी वक्त तुम मुक्त हो। जब भी तुमको लगे कि मेरी कोई इच्छा नहीं, मैं तृप्त हूँ, मान लो तुम मुक्त भी हो। और इसमें क्या देरी है, एक मिनट लगता है, उखाड़ के फेंको सब इच्छाओं। भगवान कृष्ण गीता में एक ना, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्य दोष्यते। जो अपने मन के भीतर छिपी हुई सभी कामनाओं को उखाड़ के फेंक देता है, वो आदमी तुरंत अपने आत्मा में प्रसन्न हो जाता है, उसी वक्त उनकी प्रज्ञा स्थित हो जाती है। जैसे घास होता है ना, कांग्रेस ग्रास, जो उखाड़ते हो फिर आ जाता है, उखाड़ते हो फिर आ जाता है, इस तरह से इसको बार बार उखाड़ते रहना है। ये एक एक्सरसाइज मान लो मन में को। अब लोग क्या कहते हैं, अरे इच्छा आ गई इसको भगाओ भगाओ भगाओ, नहीं, मैं कहूँगा इच्छाएं, अच्छा उसको समर्पण कर दो। सब ये इच्छा मेरी मन में दिल में, इसको मैं आप समर्पण कर देता हूँ। एक तो उसके साथ लड़ना, इच्छाओं के साथ लड़ना, दूसरा उसको समर्पण करना। चुन लेना भाई, तुम योद्धा हो तो लड़ते रहो, अब भक्त हो तो समर्पण करते जाओ, दोनों में सिद्धि हो जाए।